हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक दूसरे टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। ये है HSG टेस्ट। ये टेस्ट क्यों करते हैं, कब करते हैं और क्या प्रोसीजर होता है इसका, आज हम ये सारी चीज़ें इसमें मैंने ये टेस्ट करवाया था और मैंने सोचा फिर कि क्यों ना अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। तो ये जब टेस्ट इसलिए करवाया जाता है क्योंकि आप कंसीव करने की कोशिश करते हैं, आप नहीं कर पा रहे, तो सारा जब मेडिकल ट्रीटमेंट होने के बाद भी आप कंसीव नहीं कर पाते तो लास्ट में डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब करता है कि आप ये टेस्ट करवाएं। और ये टेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे ये चेक किया जाता है कि जो आपके जो दो फैलोपियन ट्यूब है वो खुली है या बंद है, इस टेस्ट से ये पता चलता है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर मैंने सर्च करा, कमेंट्स पढ़े, लोगों ने बोला कि ये टेस्ट करवाने के बाद मैंने कंसीव कर लिया। क्वेश्चंस भी थे कि क्या मैं ये टेस्ट करवाऊंगी उसके बाद मैं कंसीव कर जाऊंगी। बट ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है कि आपकी फैलोपियन ट्यूब ओपन है या नहीं है, दैट्स इट। इसके अलावा अगर आपका फैलोपियन ट्यूब बंद है तो उसके बाद पता लगने के बाद वो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेगा उसका, उसको ठीक करने के लिए। सिर्फ ये टेस्ट इसलिए ही किया जाता है, ये एक तरीके का एक्सरे होता है। अब मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की, तो मैंने अपना टेस्ट जब मेरे को ये डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा था उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट करा, गूगल करना स्टार्ट करा कि ये क्या होता है, क्यों किया जाता है, कि क्या पेन होता है, क्या होता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, लोगों के कमेंट पढ़े, तो लोगों ने बोला कि बहुत पेन होता है, दर्द होता है, किसी ने बोला नहीं होता है, तो किसी ने बोला कि जैसे पीरियड्स में क्रैम्प्स होते हैं उस तरीके का दर्द होता है। तो मैं डर तो गई थी बहुत ज़्यादा, फिर भी मैंने कहा ठीक है चलो अब तो टेस्ट तो करवाना ही है। तो फिर मैं फाइनली मैं डॉक्टर के पास गई। इस टेस्ट को करने से पहले मुझे मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि खाना खा कर आना है या खाली पेट आना है, अब खाना खा के भी जा सकते हो। फिर जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ पे नर्स थी, वहाँ पे रिसेप्शन पे उन लोगों ने मेरा साइन लिया, एक पेपर पे साइन लिया उन लोगों ने, और मेरे हस्बैंड का भी साइन करवाया उन लोगों ने। देन उसके बाद वो लोग हमको अंदर लेके गए, फिर उन नर्स आई, नर्स ने बोला कि आप कपड़े चेंज करके, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल की जो ड्रेस होती है वो दिया, आप उन्होंने बोला कि आप ये ड्रेस को चेंज कर लो। फिर उसके बाद से मैं जब चेंज करके आई, देन फिर मेरे पास एक नर्स आई, नर्स ने मुझे बोला, फिर उसने पूरा मुझे बताया कि क्या होता है क्या नहीं। उसने सबसे पहले बोला कि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहो, इस टेस्ट में आपको पेन होगा तो इसलिए आपको मैं बता रही हूँ। फिर उसने कुछ क्वेश्चंस करे कि पीरियड्स आपके कब आए थे, लास्ट रेगुलर है या नहीं है, ये सब क्वेश्चंस में से पूछे। देन उसके बाद मुझे 5-10 मिनट बाद मुझे वो अंदर लेके गए, उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद मुझे बैक में इंजेक्शन लगाया, वो इंजेक्शन भी मतलब ऐसा था कि मतलब मुझे फ़ील हो रहा था कि दवाई मेरे बॉडी में ऐसे जा रही है, ऐसे करके कुछ फील हो रहा था। पेन हल्का सा था ठीक है, लेकिन वो मैं बर्दाश्त कर लिया मैंने। फिर उसके 5 मिनट बाद वो लोग मुझे अंदर लेके गए, उसके बाद मुझे उन लोगों ने ये OT में लेके गए। जब वो लोग मुझे लिटा दिए उन लोगों ने मेरे पैरों को, ऐसे जैसे डिलीवरी होती है उस टाइप का मुझे पोस्चर लेने के लिए बोला। मेरे लिए थोड़ा ये अनकंफर्टेबल भी था क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था मुझे। बाद डॉक्टर आए, डॉक्टर ने फिर क्लीन वगैरह किया, जो वजाइना के थ्रू ये टेस्ट होता है, तो वहाँ पर क्लीन वगैरह किया। फिर एक पतली सी रॉड टाइप की थी, मतलब क्या था क्या नहीं, मैं डरी तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन फिर भी मैंने कोशिश कर मतलब देखने की कोशिश करी कि क्या कर रहे हैं ये लोग। तो देन उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला रिलैक्स हो जाओ आप, ऐसा करके। फिर उन लोगों ने, डॉक्टर ने मतलब पता नहीं क्या किया क्या नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बर्दाश्त, इतना ज़्यादा पेन था मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर नर्स ने मुझे मतलब पकड़ लिया, मैं इतना ज़्यादा पेन था मुझे कि मैं पसीने पसीने हो गई थी, मेरी बॉडी ऐसे कांप सी रही थी। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि पेन होता है और बहुत ज़्यादा होता है। मुझे मतलब बॉडी पर डिपेंड करता है, किसी को ज़्यादा होता है किसी को कम होता है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हुआ मतलब। लेकिन ये था कि 5 मिनट का पूरा काम था, वो 5 मिनट लेके मेरे लिए बहुत भारी पड़ रहे थे वो। फिर डॉक्टर ने फिर अंदर डाई होती है, वो डाई उन लोगों ने इंसर्ट करी, डाई डाला, वो बहुत ज़्यादा पेन होने लगा मुझे। फिर उसके बाद से नर्स ने वो अंदर से ना
सारा प्रोसीजर होने के बाद फिर 5 मिनट का काम था, सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर मुझे नर्स ने बिठाया, फिर उसने सारा क्लीन वगैरह किया। फिर क्लीन करने के बाद उसने मुझे एक पैड दिया कि आप ब्लीडिंग होगी आपको, तो आप ये पैड लगा लो। तो उसने डॉक्टर ने ये भी बोला था कि हो सके तो आपको 1-2 दिन ब्लीडिंग हो सकती है, बट मुझे नहीं हुई थी, एक ही दिन हुई थी। देन तो फिर उसके बाद से क्लीन वगैरह करने के बाद फिर मैं बाहर गई। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आप 10-15 मिनट वेट कीजिए। फिर 10-15 मिनट बाद ही हम लोगों को उन लोगों ने रिपोर्ट दे दिया था। फिर डॉक्टर ने बोला कि आपका ट्यूब जो है नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा थैंक गॉड, इतना दर्द सहने के बाद कुछ तो अच्छा सुनने को मिला। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है। फिर मैं घर आई। घर आने के बाद उन लोगों ने मुझे 5 दिन की दवाई दी थी। फिर घर आने के बाद भी मुझे पेन हो रहा था, और ये पेन आपको कम से कम 3-4 दिन तक रहेगा। मतलब मैं चल भी नहीं पा रही थी और बैठ भी नहीं पा रही थी। लेटने पे आपका करवट ले, आप बेड पे करवट अगर ले रहे तो भी पेन हो रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा पेन, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ डॉक्टर ने गलत कर दिया, क्या कर दिया मेरे। फिर हस्बैंड ने हॉस्पिटल में कॉल करा, फिर पूछा कि ये HSG टेस्ट करवाया था उसके बाद भी अभी भी पेन है, नहीं चल भी नहीं पा रही है। तो उन लोगों ने बोला कि हाँ आपको पेन होगा, आपको 1 हफ्ते तक पेन रह सकता है आपको। तो फिर मुझे भी रहा था, चलने में दिक्कत हो रही थी, बैठने में दिक्कत हो रही थी, मतलब मेरे को 3-4 दिन तक रहा ये पेन। होने के बाद जो टेस्ट जो रिपोर्ट होती है कुछ इस तरीके से दिखती है, मैं आप देख सकते हैं पिक्चर में, मैंने अटैच करा हुआ है, कुछ इस तरीके से आपको वो लोग रिपोर्ट देंगे। ये तो डॉक्टर ही समझ के बता सकता है कि क्या है क्या नहीं, बट ये एक जो नॉर्मल फैलोपियन ट्यूब होता है ये उसकी एक रिपोर्ट है ये। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का रिपोर्ट उन लोगों ने मुझे दिया था। बाकी मैं आप लोगों को बस इतना ही बोलूँगी कि मैंने बस अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया कि क्या क्या प्रोसीजर मेरे साथ हुआ, क्या क्या नहीं। मैं मेडिकली मैं कुछ भी आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी, या मेडिकली मैं ऐसा कुछ एडवाइस नहीं कर रही हूँ कि हाँ आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करा है कि बाकी मैंने तो आपको बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। मेडिकली मुझे कुछ इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं आप लोगों को कुछ भी सजेस्ट नहीं करूँगी। बस हाँ एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि ये टेस्ट होने के बाद वो लोग इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन होने का डर होता है क्योंकि सब टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं वो लोग। तो आप लोग प्लीज़ केयर करना, और वो लोग इन्फेक्शन ना होने के लिए आपको 5 दिन का मेडिसिन भी देते हैं, तो आप मेडिसिन प्लीज़ अवॉइड नहीं करना, आप लोग वो यूज़ करना। आप लोगों को वो मेडिसिन देंगे जो कि सुबह में खाली पेट भी खाने को होगा, और एक मेडिसिन आपको देंगे जो कि आप वो टैबलेट टाइप का होता है, मतलब ट्यूब टाइप का, वो उसको आपको अपने वजाना में रखना होता है ताकि इन्फेक्शन ना हो इसके लिए। तो आप वो भी केयर करना। फिर भी अब आपको कोई क्वेश्चन है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। HSG जो टेस्ट होता है उसका कॉस्ट कितना होता है? तो मैंने जो टेस्ट करवाया था मुझे वो 5,000 रुपये का मुझे वो टेस्ट लगा था। बट ये डिपेंड करता है अलग अलग सिटीज़ पर, अलग अलग सेंटर्स जो जहाँ पर भी आप करवा रहे हैं अलग अलग रेट होते हैं। कोई आपको 3,500 में भी कर देता है, कोई 3,000 में भी, बट मैंने जो करवाया था वो 5,000 मुझे कॉस्ट पड़ा था उसका।